हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूजीन गैलरी। आज हम बनाने जा रहे हैं रवा इडली, यानी कि सूजी की इडली, जिसे आप नाश्ते में या खाने में बना के सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, सभी को पसंद आती है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ ही हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें मैंने कई सारे वेजिटेबल्स का यूज़ किया है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कटोरी सूजी ली है, एक कटोरी दही, यानी कि जितना हम सूजी लेंगे उतना ही हम दही लेंगे। अब हम एक बोल लेंगे, इसमें डालेंगे सूजी, साथ ही ऐड कर लेंगे दही। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे एक कप पानी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पानी डालने के बाद इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम ढक के 20 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। तब तक हम सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। तो सब्जी में मैंने मटर लिया है, बारीक कटी शिमला मिर्च, बारीक कटे बीन्स, बारीक कटी प्याज, कद्दूकस किए हुए गाजर, आप कोई सी भी सब्जी अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। नमक लिया है जो कि इसका टेस्ट रहेगा, थोड़े से करी पत्ते, 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 चम्मच उड़द दाल, 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच राई। अब हम पैन रखेंगे गर्म होने के लिए। इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले इसमें तड़का देंगे राई उड़द दाल का। गैस की फ्लेम लो कर लेंगे, इसे इस तरीके से कवर कर लेंगे जिससे कि राई के छींटे बाहर ना आए। कुछ सेकंड बाद इसमें हम डालेंगे करी पत्ता, हींग और हरी मिर्च, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। अब इसमें हम एक एक करके सभी सब्जियाँ डालते जाएंगे और इसे हल्का सॉफ्ट या नरम होने तक भून लेंगे। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, केवल हल्का सा भून लेना है। तो मैंने सभी सब्जी को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक का यूज़ हमें ज़्यादा नहीं करना है, नमक हम कम डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सब्जी हमारी अच्छे से भून चुकी है, गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, सूजी भी हमारे अच्छे से फूल चुकी है। अब भुनी हुई सब्जी को इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा इडली बनाने का बैटर काफ़ी गाढ़ा है, तो इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। तो यहाँ पर मैंने ओवरऑल 2 कप पानी का यूज़ किया है, 1 कप पानी मैंने पहले डाला था और 1 कप पानी मैं अब डाल रहा हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम इडली को स्टीम करने के लिए पानी रख देंगे गर्म होने के लिए। इडली को स्टीम करने के लिए यहाँ मैंने भगोने का यूज़ किया है, आप चाहें तो कुकर का यूज़ कर सकते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच मीठा सोडा, साथ ही ऐड कर लेंगे थोड़ा सा नमक, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा इडली बनाने का बैटर रेडी है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अब हम इडली बनाने का सांचा लेंगे, सांचे को मैंने ऑलरेडी ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तैयार बैटर को इसमें हम डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, 2-2 चम्मच डालते जाएंगे इस तरीके से। अब इसे हम अरेंज कर लेते हैं। इधर हमारा पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसे हम रखते हैं स्टीम होने के लिए। इसे हम हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए इडली हमारे अच्छे से फूल चुकी है, चाकू की सहायता से इसे चेक कर लेते हैं। ये हो चुकी है, इसे निकाल लेंगे, इसे अलग कर लेते हैं और 5 मिनट के लिए इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, इडली हमारी ठंडी हो चुकी है, इसे सांचे से अलग कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया इडली बनके तैयार हुई है। तो सेम इस तरीके से हम सारी इडली को सांचे में से अलग कर लेते हैं। तो सारी इडली को मैंने सांचे में से निकाल लिया है, अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो लेते हैं सर्विंग प्लेट, इसे हम सर्व करेंगे करी पत्ते की चटनी के साथ। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर की हुई है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, सूजी की सॉफ्ट इडली बनके तैयार है। इडली बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।